कार्बोहाइड्रेट्स की थ्री मेजर जो क्लासेस हैं उसमें द फर्स्ट क्लास इज द मोनोसेक्राइड्स पहली मोनोसेक्राइड है फिर उसके बाद डाइसेक्राइड और पोलिसक्राइड्स हैं सो मोनोसेक्राइड्स मीन वन एंड सेक्राइड मीन शुगर सो इट इज़ द सिंपलेस्ट शुगर सो मोनोसेक्राइड का हम डेफिनेशन यू करेंगे मोनोसेक्राइड आर दिम्पलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन टू फर्दर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्योंकि एक को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो एक से आगे आगे फर्दर एक या दो तो नहीं बनेंगे तो सिंगल यूनिट है उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आगे फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन सकते हैं अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ ये कहा गया कि मोनोसेक्राइड्स को ब्रेक डाउन करने से फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनते यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन तो हो जाती है ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है लेकिन उससे आगे फर्दर जो ब्रेक डाउन से जो मालिक्यूल्स बनते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे जैसे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से पायरोवेट बनता है ग्लाइकोलिस में तो पायरोवेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में नहीं आता है सो so इसलिए तो ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइट्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैक्राइट्स इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या हमसे एक ओवरव्यू लेते हैं मोनोसैक्राइड्स की सबसे पहली जो बहुत फेमस प्रॉपर्टी दी ये स्वीट इन टेस्ट जो है वो तमाम मोनोसेक्राइट जो है वो टेस्ट में स्वीट हैं जैसे ग्लूकोज है मैनोज है ग्लेक्टोज है ये सारे के सारे स्विटिन टेस्ट हैं दे आर रेडिली सलुबल इन वाटर मोनोसेक्राइड वाटर के अंदर रेडिली सलबल इजी सेलिबलाइज हो जाते हैं अगर वो सॉलिड फार्म प्योर फार्म के अंदर मौजूद है देयर विल फार्म क्रिस्टल्स सो दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर क्रिस्टलाइन का मतलब यह एक तो है कि जब आपने लिक्विड में उसको रखा हुआ है फिर तो वो सोल्यूशन बना देगा बट वेन इट इज़ इन प्योर फार्म जब ये प्योर फार्म में होगा तो फिर ये क्रिस्टलाइन जैसे सॉल्ट है नमक को अगर पानी में डाले तो वो सालोबल होता है लेकिन अगर नमक प्योर फार्म में हो तो एक साल्ट साल्ट की क्रिस्टलाइन फार्म में अपीयर होता है तो मोनोसाक्राइड भी जो है वो क्रिस्टल्स बनाते हैं दे आर ऑल द मोनोसाक्राइड दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स मोस्ट ऑफ द एक आद को छोड़ छोड़कर बहुत सिंपल हैं लेकिन हम इन जेन जनरल हम यही कहते हैं कि ऑल द मोनोसैक्राइड दे आर रिड्यूसिंग शूगर्स रिड्यूसिंग शुगर वो शूगर्स होती हैं जो किसी दूसरे मालिक्यूल को ऑक्सीडाइज जो है रिड्यूस कर जाती हैं जैसे मेटलाइंस हैं मेटलाइंस की रिडक्शन कर सकती हैं या फिर इसके अलावा कोई दूसरे ग्रुप्स जो हैं उनकी रिडक्शन दूसरों की रिडक्शन करेंगे खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं इसलिए हम इनको क्योंकि दूसरों की रिडक्शन करती हैं तो दे आर रिड्यूसिंग शुगर टाइप्स ऑफ मोनोसैक्राइड्स मोनोसैक्राइड्स के हम दो बेसिस के ऊपर टाइप्स कर सकते हैं पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी कार्बन आइटम्स की बेस के ऊपर उसकी कार्बन चेन में कितने कार्बन आइटम्स मौजूद हैं उसकी बैकबोन के अंदर स्केलेटन के अंदर मोनोसैक्राइड का जो साइज़ है वो थ्री टू सेवन कार्बन जो है वो पे कंसिस्ट करता है तो इसमें जो थ्री कार्बन वाला है दे आर देआरकॉल मोनोसाइक्राइज दे आर आरकॉल ट्राइस फोर्ट कार्बन वाले करते हैं टेट्रोज फाइव कार्बन वाले पेंटोजेज सिक्स कार्बन वाले हेगोजेज एंड सेवन वाले हेप्टोजेज अच्छा इसमें थ्री टू सिक्स यानी थ्री फोर फाइव और सिक्स वाले कार्बन वाले ये बहुत अबंडेंट है नेचर के अंदर इसमें भी अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ये साइड वाइज आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं कि जो सबसे पहला हमारे पास मौजूद है ग्लिसरल्डी हाइट ग्लिसरल्डी हाइट को अगर हम देखें तो इट इज़ थ्री कार्बन ये जो वो थ्री कार्बन जो मालिक्यूल है रिथ्रोस फोर कार्बन है राइबोस फाइव कार्बन है और ग्लूकोज इज सिक्स कार्बन मालिक्यूल इसका ग्लिसरल्डी हाइट थ्री कार्बन ये ट्राइज है रिथ्रोस फोर कार्बन इज द टेट्रोस राइबोस आइबोस फाइव कार्बन है तो ये पेंटोज में आएगा और ग्लूकोज के छः कार्बन है तो ये हैगजोज की कैटेगरी में आएगा अच्छा यहाँ स्ट्रक्चर के रेफरेंस थोड़ा सा आप अगर इसको फोकस करें एक एंड के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच है बाकी तमाम कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं तो ये यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी जो है ये एक ये भी है कि दे आर पोलीहाइड्रोक्सी यानी एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप कंटेन करते हैं यानी थ्री कार्बन वाला है तो एक फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बन होगा दो के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो अटैच है अगर सिक्स कार्बन वाला है तो फाइव कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप होंगे एक के साथ फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होता है मोनोसेक्राइड्स की हम जो दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो है इसके फंक्शनल ग्रुप की बेस के ऊपर पहला है कार्बन के बेस के ऊपर कितने कार्बन आइटम्स हैं उस हिसाब से उसको नाम देते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से मोनोसैक्राइड में दो फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं कुछ मोनोसाक्राइड्स वो हैं जिनके अंदर एल डी फंक्शनल ग्रुप तो जिनके अंदर एल डी हाइड को हम कहते हैं एल्डोज और जिनके अंदर कीटोन ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक जो है ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर तो पर मौजूद है तो उनको हम कीटोज कहते हैं इसकी बेरी सिंपल एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ग्लूकोज भी सिक्स कार्बन मालिक्यूल है फ्रुक्टोज भी सिक्स कार्बन मालिक्यूल है लेकिन जो ग्लूकोज है इसके पास एलडीहाइड है तो इसको हम कहते हैं इट इज एल्डोहेगजोज जबकि जो फ्रुक्टोज है इसके पास ये कीटोनिक ग्रुप रखता है तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं इतना जब एल्डो हैगजोज नहीं करेंगे बट कीटो हैगजोज का नाम देंगे ठीक है तो इस तरह से एल्डो शुगर एंड द कीटो शुगर हमारे पास जो है दो कैटेगरीज आएंगे ये दोनों आपके सामने हैं एल डी हाट ग्रुप जो है सी एच ओ ग्रुप को कहते हैं ठीक है ये सी एच ओ जब इकट्ठा है इसे एल डी हाट हमेशा एक एंड के ऊपर आता है जबकि जो कीटोनिक ग्रुप है ना इसमें सी डबल वन ओ वाला जो कार्बन है उसके दोनों तरफ कार्बन मौजूद होता है आमतौर पर इसलिए अगर आप देखें तो जो कीटोनिक ग्रुप होता है ये एंड के ऊपर नहीं होता ये कहीं सेंटर में या कहीं दरमियान में जो वो मौजूद होता है जब फ्रुक्टोज में देखिए नंबर टू पोजिशन के ऊपर है नंबर वन पोजिशन के ऊपर कीटोन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता वह एल डी हाइड ग्रुप जो एग्जिस्ट करेगा द नेक्स्ट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर अगर देखें सिंपल कार्बन स्कल्टन है कार्बन वाली एटम्स जो एक है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं तो इसका दो स्ट्रक्चर बनते हैं एक को हम कहते हैं चेन स्ट्रक्चर चेन स्ट्रक्चर वो है जिसमें लीनियरली कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन तीन कार्बन आपस में जो है लीनियरली अटैच है एक कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप होगा दो के साथ जाओ हाइड्रोक्सल ग्रुप है इस तरह से अगर ये सिक्स कार्बन है तो फाइव लीनियर होंगे सिक्स के सिक्स एक साथ के साथ फंक्शनल ग्रुप है और फाइव के साथ जाओ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होते हैं इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये लीनियर स्ट्रक्चर है आमतौर पर कुछ ऐसे आ, हमारे पास मोनोसाक्राइड्स हैं जिन कार्बन नंबर फोर से ऑनवर्ड वाले जो हैं अगर हम उनको एक्वस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें यानी वाटर में डालें तो वाटर के अंदर जाते साथ ही वो चेन स्ट्रक्चर या रिंग बना देता है इसका मतलब यह होगा कि वो साइकिल स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर भी रखते हैं कार्बन नंबर थ्री जो है वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता जबकि फोर फाइव सिक्स और सेवन जो आगे जितने भी है ये रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे रिंग्स दो तरह के बनते हैं कुछ वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आमतौर पर फाइव कार्नर रिंग बनाते हैं जो फाइव कॉर्नर रिंग है तो उसको फ्यूरानोस रिंग कहते हैं और जो सिक्स कॉर्नर रिंग बनता है डेज द पायरानोज जैसे ग्लूकोज जो है वो सिक्स कॉर्नर रिंग बनाता है तो इसलिए हम इसको ग्लूको पायरानोज कहते हैं पायरानोज फॉर सिक्स रिंग कॉर्नर रिंग है फ्रुक्टोज जो है वो फाइव कॉर्नर रिंग बनाती है तो इसलिए फ्रुक्टोज का हम जब वो फ्रुक्टो फ्यूरानोज वर्ड जो है वो उसके लिए यूज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसेक्राइड जी ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस से कौन इनकार कर सकता है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल तो इसका ग्लूकोज़ की अगर इंपॉर्टेंस हम देखें तो जैसे ह्यूमन के अंदर तो बड़े इंपॉर्टेंट कि हमारी जितनी मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ हैं मेनली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एनर्जी आती है और हम उससे सर्वाइव कर रहे हैं तो इस तरह ये सिर्फ ह्यूमन uh, के लिए नहीं है ऑल एनिमल्स इवन बैक्टीरिया के लिए और प्लांट्स के लिए भी यही है बाकी एनर्जी सोर्सेज भी यूज होते हैं लेकिन प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो ग्लूकोज है तो इसका मतलब यह है कि मोनोसेक्राइट का जो सबसे पहली जॉब है दे प्रोवाइड एनर्जी एनर्जी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो यूज होते हैं जो दूसरे अच्छा यहाँ एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी मिलनी है वो बेसिकली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं सी एच बॉन्ड जिस मालिक्यूल के अंदर जितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे वो उतनी ज्यादा एनर्जी देगा हाइड्रोक्सल ग्रुप एनर्जी नहीं देता है ठीक है कार्बन हाइड्रोजन देगा कार्बन हाइड्रोक्सल ग्रुप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा सेकेंड इसकी जो है एक एनर्जी हो गया दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट है मोनोसाक्राइडस की दैट इज दे आर दी बिल्डिंग मटीरियल फॉर कंप्लेक्स पोलिसक्राइट्स कंप्लेक्स मालिक्यूल जैसे आ, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स की सारी जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है वो सेलुलोज का बना हुआ है और सेलुलोज किससे बनता है ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के जुड़ने से इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइक्रोजन मौजूद है इसी तरह से प्लाट्स के अंदर जो है वो स्टार्च मौजूद है जो इंसेक्ट्स हैं उनका एग्जोस्कैटन काइटन का बना होता है तो ये तमाम जितने भी कंप्लेक्स मालिक्यूल्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं वो मोनोसेक्राइड्स के ही बनाते हैं ये वैसे ही है जैसे इंटे मिलकर एक बिल्डिंग बना देती हैं तो इसी से मोनोसेक्राइड मिलकर बड़े मालिक्यूल बनाते हैं जाके डिफरेंट स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं